الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। सबसे पहले दुरूद पाक सरकार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा ताजदार मदीना करार कल्ब सीना फैज गंजीना साहिब मुअत्तरुम अंबर पसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो हम आपके लिए स्पेशल उन उम्रा ज़ायरीन के लिए बना रहे हैं कि जो दोस्त रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशराए मग़फ़िरत का जहन्नम से निजात वाले अशरे का इत्तेकाफ़ करना चाहते हैं मस्जिद नबवी शरीफ में, ये वीडियो आज उनके लिए बना रहे हैं। और जो दोस्त मदीना शरीफ में इत्तेकाफ़ करना चाहते हैं आइंदा के लिए भी, वो इंशाल्लाह हमारी ये वीडियो देखकर बहुत उनके जो बेसिक मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, मस्जिद नबवी शरीफ में इत्तेकाफ़ बैठने के लिए जो जगह मखसूस की जाती है वो ये जगह है जो मस्जिद के छत के ऊपर है। ठीक है जी, मस्जिद के छत के ऊपर इसी मकाम पर जितने भी मोतकिफ़ दोस्त होते हैं वो इसी मकाम पर रुकते हैं, उनके रहने का बंदोबस्त, उनके सारे मामलात इसी जगह पर किए जाते हैं। दोस्तों, मस्जिद नबवी शरीफ में इत्तेकाफ़ बैठने के लिए जो इनकी मस्जिद इंतज़ामिया है उनसे इजाज़त नामा लेना, एक पेपर वो बना के देते हैं जिस पेपर की बुनियाद पर आप इत्तेकाफ़ बैठ सकते हैं। अगर आपके पास वो पेपर नहीं होता तो फिर इत्तेकाफ़ बैठना कदरे मुश्किल हो जाता है। और जितने भी ज़ायरीन आते हैं उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए, उनकी कोशिश तो यही होती है कि मस्जिद नबवी शरीफ में इत्तेकाफ़ की तरकीब बन जाए, और ज़हन वो यही लेकर आते हैं। पर जब वो इधर आते हैं तो इधर के मसाइल ज़बान उनको नहीं आती, और उनके जो एजेंसीज वाले होते हैं वो भी उनको सही तरीके से गाइड नहीं करते, जानते हुए या अनजाने में उनको ये मालूमात नहीं होती कि आगे क्या मसाइल हैं। फिर जो उम्रा ज़ायरीन हैं वो बेचारे आजमाइश में पड़ जाते हैं। दोस्तों, जो इनका पेपर वर्क का काम है वो होना लाजमी है, अगर वो आप कंप्लीट नहीं करते तो फिर आपको इत्तेकाफ़ बैठने की इजाज़त नहीं होगी, ये बात अपने जहन में रखिएगा। और जो दोस्त
पाकिस्तान से अब एजेंसी के ज़रिए उमरा करने आते हैं, उनको चाहिए कि अपने एजेंसीज वालों से इस मामले में डिस्कशन करें कि हम मदीना शरीफ में जाकर 10 दिन का इतिकाफ़ बैठेंगे, उसके मुतालिक जो भी मालूमात लीगल ओपिनियन है वो हमें दें लाजमी कि हम अपना पेपर वर्क पाकिस्तान से ही कंप्लीट करके जाएं, ताकि इधर आने के बाद आपको आजमाइश में ना पड़ना पड़े। प्यारे दोस्तों, हम नईम सलीम चैनल पर इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल नईम सलीम को सब्सक्राइब फरमा लें। लाइक शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर फरमाया करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस फरमा दिया करें कि ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मौसूल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।